भैया चला के छक्कन भैया हमारे क्या करते हैं भैया, ये सब ना करो भैया, ये सब ना करो, मुरा है कहां रहे हो जवान को, जब ही तक बतियाना है इन लोगन से हमरे कान में घुस गवा के घुस गवा कौन तुम बतियान का खातर कहां के ना तुहा ना कहत रहे वो कहीं छक्कन तो गए हैं तो कोई कहते दूध पे गए, कोई कहते टट्टी करे गए हैं। मालूम भी है तुमका के मरगा हर बुद्धि मरगा, अरे तो बता दिमाग मरगा। पंचायत करो लोगन का बुलाई के इकट्ठा कर लियो, ऐसे लोगन से ऐसे चौक लड़ा और तो कोनो काम तुम्हारे है नहीं। जय पाल तो तुम्हें बुलावत रहे, हम बहुत परेशान से नहीं था, काहे परेशान था तो बताओ क्या कारण है। अरे यही समाज के चक्कर में तो परेशान हो चुके हैं। अच्छा अच्छा अब जान पाए समाज के चक्कर में परेशान। अरे अब ना पूछो भैया। हाँ बताओ आजादी के महोत्सव चलत रहा, कहाँ चलत रहा? अरे अब ना पूछो कहाँ चलत रहा, कहूँ तो चलत रहा, हम सुने रहे आजादी के महोत्सव। हाँ सुने तो है कि आजादी के महोत्सव मनावा जा रहा है। हाँ अमृत महोत्सव। अमृत? हाँ आजादी के अमृत महोत्सव। तब तक ये लोग पी के अमर हो जाए। आजाद कहाँ भवन है, अब सब गुलामी करम बाजार। वो कैसे? ए ना पूछो भैया रे, जाना तो आज भी लोग खुले में शौच करे जाता है। क्या का मतलब गुलाम है? हाँ गुलाम है, मतलब खेते में टट्टी करे तो गुलाम है। हाँ गुलाम है, सड़की पर टट्टी करे तो गुलाम है। तो खाए ले हदबो तो के अपने ना खुलेबो। हम अन्ना मानव चलो दिखाओ हम। चलो दिखाई तू है, एक जन का देख लो भैया घर में शौचालय बना है। हमारा लकड़ी कंडा मुर्गी बकरी पाले हैं, मौका उपयोग है मेरे। चलो तू दिखाई, चलो चलो। हमारे महापुरुष लोग इस देश का आजाद कराए हैं यही दिन खातिर, देश में आजादी के असली फायदा उठावे जात है। ए दका जब तक हमरे पास सुविधा नहीं रहा शौचालय के तब तक चलो कोई बात नहीं, और जब होएगा तो असली आजादी के जंग लड़े जात है, आजाद कराए के अध्यक्ष प्रगट करे जात है देश के। तो आजाद होएगा तो नजर ई देश का हो भारत माता, अगर भारत से माँ शब्द निकाल दिया जाए तो कितना सूनापन आ जाता है, केवल तब भारत एक भूखंड मात्र बन के रह जाएगा। ऐसा देखो भाई ये कहां भाई, अब हाथम लोटा है तो कहां के जाई बताओ। यही के अब अपन काम नहीं देख पावत, कायदे से पढ़े कहा जाए तो पढ़त नहीं है, वहाँ नकलबाजी जरूर करी है, घूसखोरी करी है, और छोड़ो सुबह सुबह जाओ। अभी वो प्रेशर पड़ा है बना है, वही प्रेशर बनाओ और वही तो निपटाओ। अरे हमारे चाय से कले ना होए, अब हूँ जान अपने काम वाले से भी कहा। पहले तू यही सब मामला बिलान है, हम सुधर तो देश सुधरी। अरे भैया अब आज के बाद हम अपने ही घर में बना शौचालय का प्रयोग करब, और पहले हम कपड़ो न जब हमारा आग खुल गया। देश के ऊपर बहुत बड़ा अहसान करी हो। उधर के कहने पूरे गांव शौचालय में बैठा है, अगर इनके नहीं करे सड़की को और खेते को ना देखे। अरे भैया और तू आओ तो जो कहत रहे हो ना कि कैसे हमारे देश गुलाम है, तो भैया मानसिक रूप से हमारे देश गुलाम है। अभी एक जगह और तू देखे पर जानते का अपने बिटियन का पढ़ावा लिखावत ना है, कहीं है 14-15 साल के उम्र में बिहार के दे। अरे पानी
तू के हो? तू के हो? देख लो बुढ़वा सठिया है, अपने पड़ोसी नहीं पहचान से। अरे बुद्धि लाल होई। बुद्धि लाल हो? हाँ बुद्धि दे आयो क्या? तो कमजोर है, कुछ हल्ला हो रहा का भा? बेटिया से डांट तो चला है। काहे? पढ़ाई चल रहा है। अरे कब रजिस्टर बन गए? अरे तोहार भाग्य बड़ा अच्छा रहा कि बिटिया पढ़े कहा थी, और वहाँ का पढ़ाओ जाने भैया। काहे पर काहे पढ़ाई? हाँ जैसे तू लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर अंगूठा टियक बाबू कहाँ लगाई, वैसे बिटियों को रखा चाहता था। 15 साल के हो गए हैं। अरे 15 साल हो या कुछ हो, जो पढ़ लिख जाई तो पूरा समाज शिक्षित हो जाई, जहाँ बेह के जाई वह घर शिक्षित हो जाई। तुम्हें दिक्कत का है पढ़ावे में? तू तो नहीं पढ़े भैया। चूल्हा फूका रोटी बनावा है। जहाँ जाए वहाँ चूल्हा फूक, अफसर अधिकारी बन जाए तो सरकार पढ़ाई मुफ्त किया है। अरे मैंने बताओ, देश के आजादी से लेके अभी तक पीटीएन महिलाओं का कितना योगदान है तुम्हें?